अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में देखेंगे कि आप किसी भी इन्वर्टर एसी की डायग्राम कैसे ढूंढ सकते हैं। ये एक देखने वाले ने मैसेज किया है, वो कहते हैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी है यूट्यूब पर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा जी इज़्ज़त अफजाई होगी मेरी कि अगर आप मुझे इस पीसीबी की, जो पैनासोनिक का पीसीबी है CSE12BKP, इस आउटडोर के पीसीबी को एक्सप्लेन कर दें क्योंकि इसकी डायग्राम बहुत मुश्किल है। तो चलें जी इसको देखते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में हम देखेंगे कि इसकी हम डायग्राम कैसे ढूंढें, CSE12BKP, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इन डिटेल देखेंगे। गूगल क्रोम खोल लीजिए और यहाँ पर कर लें CSE12BKP। ये है मॉडल नंबर CSE12BKP, ये मॉडल नंबर है। इसको आप लिख के सर्विस मैनुअल डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ साइट्स जो हैं ये आपको इसका मॉडल नंबर दे रही हैं, इसका मैनुअल दे रही हैं। ये ऊपर है manuals.library.com, आके है DL manuals। ये काफ़ी ज़्यादा आप मुख्तलिफ साइट्स से ढूंढ सकते हैं। इसी तरह ये servicemanual.us है, यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। कुछ इसमें पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। हम सबसे पहली साइट को देख लेते हैं। ये कहता है पैनासोनिक का CS12BKP मैनुअल्स हैं इस पर। वो कहता है जी 5 मुख्तलिफ मैनुअल्स हैं। पहला मैनुअल जो देख लें तो वो कहता है कि ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमें चाहिए सर्विस मैनुअल। ये दूसरा देख लें तो यहाँ पर कहता है पैनासोनिक CSE12 सर्विस मैनुअल, ये हमें चाहिए, 89 पेजेस हैं। इससे नेक्स्ट देख लें क्या है, ये क्या है, पैनासोनिक सर्विस मैनुअल है। इसके बाद क्या है, ये है सप्लीमेंटल सर्विस मैनुअल। जी हम 2 डाउनलोड करेंगे, एक सप्लीमेंटल करेंगे और एक सर्विस करेंगे, और लास्ट वन है रशियन लैंग्वेज में, रशियन में हमें नहीं चाहिए। हम एक तो ये सप्लीमेंटल को डाउनलोड कर लेते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड बटन प्रेस कर लीजिए। इस जगह पर ये आ रहा है इसका टिक बॉक्स कि आप रोबोट तो नहीं हैं। इसे कहें जी मैं रोबोट नहीं हूँ, गेट मैनुअल। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि लिंक रेडी है तो आप डाउनलोड PDF कर लें। तो ये इस तरह से ये डाउनलोड हो गया। इसको देख लेंगे, इसमें सप्लीमेंटल में यहाँ पर डायग्राम्स होती हैं। ये छोटा सा मैनुअल होता है, 11 पेज हैं इसके टोटल। जी यहाँ पर देखिए तो CUE9BKP और CU12BKP5, ये इसका हमें 9BKP और 12BKP, तो इसका हमें मिल रहा है सर्किट डायग्राम। तो ये पहले वाला जो है ये CSE12BKP। चलें जी हमें जो चाहिए था ये K5 में हमें मिल गया। अभी हम दोबारा वापसी क्रोम पे आते हैं और इसको बैक करिए। हमने आना है दोबारा जहाँ पर हमें ये मैनुअल मिले थे, ये इस पेज पे आ गया, रशियन वाला नहीं चाहिए। अभी हम सर्विस मैनुअल एक डाउनलोड कर लेते हैं। जी इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड का बटन प्रेस कर लीजिए यहाँ पर IAM NOT A ROBOT करके, तो गेट मैनुअल कर लें, डाउनलोड PDF कर लें। क्योंकि ये उसी नाम से पहली फाइल हमारी डाउनलोड कर चुका है तो हम इसको कहते हैं डाउनलोड अगेन, तो ये उसको रीनेम करके ये दूसरी फाइल भी अब डाउनलोड कर रहा है। तो ये 2 फाइलें हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी। अभी एक अगर आपके पास ये डायरेक्टली PDF व्यूअर है फिर तो ठीक है, अगर PDF व्यूअर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ से जाके खोलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे फाइल्स में या फाइल्स मैनेजर में चले जाएंगे। फाइल्स मैनेजर में जाकर आप डाउनलोड फाइल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर में चले जाएंगे। ये सबसे ऊपर देखें तो ये हमारा 894 KB में है और दूसरा 14 MB में है। ये बड़े वाली फ़ाइल है, बड़े वाली फ़ाइल को खोल लेते हैं। छोटा मैनुअल तो हमने देख लिया है। तो इस सर्विस मैनुअल में यहाँ पर ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, ब्लॉक डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम है, इसी तरह यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी चार्ट होगा। जी यहाँ पर इंडोर मोटर का ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी चार्ट है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कौन किस वक्त स्पिन करेगी, ये मुख्तलिफ इसके फंक्शन है। इस मैनुअल को हम डिटेल में देखेंगे कि मैनुअल से हमें क्या
इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर ट्रबल शूटिंग है, एरर कोड्स हैं, और यहाँ पर जी ये इसका मुकम्मल ट्रबल शूटिंग के लिए कौन कौन से आप सर्विसिंग इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। डिफरेंट फॉल्ट्स को आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, यहाँ पर इसका पार्ट कैटलाग आ गया कि जी किस तरह से ढूंढेंगे पार्ट कैटलाग, और ये है इसकी डायग्राम्स। CUE9 तो हमें CS में चाहिए, CSE12 चाहिए जो हमारे दोस्त ने मांगा है, तो ये CSE12 BKP, तो हमें ये डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। इस तरीके से इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर बनाने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने उसमें ये डायग्राम ऐड की है, आपको सहूलत दी है, तो फिर तो आप ढूंढ पाएंगे। वरना अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि अपने डिज़ाइन को छुपाने के लिए डायग्राम नहीं देती, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ फिर हरबे होते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए आप उस सर्किट डिज़ाइन पे जा सकते हैं, उसका आइडिया ले सकते हैं। उस पर भी एक्सप्लेन करेंगे, बहस करूँगा साथ साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरा अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।